Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SVS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12th यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या हमारे चैनल को विजिट कर दीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज का सेशन पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं 4 मार्क के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। इसमें से तीन आपके एक इस तीन में से आपके एक तो मुझे लगता है कि आपको पूछे गए, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था और मुझे इसमें फुल मार्क मिले थे। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि आपको भी अपने पेपर में अच्छे मार्क मिले और न्यूमेरिकल में तो एक भी मार्क आप खोए ना। तो आपको इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप खाली समझिए, मेरे वीडियो के साथ साथ लिखिए मत, अभी खाली समझते रहिए। और फिर भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना डाउट मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द इनिशियल रिएक्शन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वॉज मेजर फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी एस गिवन बिलो। मतलब रिएक्शन ए और बी, ए एंड बी के बीच में रिएक्शन होते हैं, तो उसमें डिफरेंट कंसनट्रेशन पर डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन आता है, तो वो उसका टेबल दिया गया है। तो आपको एक तो ध्यान रखना होगा कि जो भी टेबल दिया है ना, उसको उसके बेस पर आपको नीचे सॉल्यूशन में लिखना है। खाली कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो नंबर पहले तो दिया गया है ए पर मोल लीटर इन्वर्स, तो 0.20 और 0.40। अब बी का दिया गया 0.30, 0.10, 0.05। R0 पर मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स दिया गया है 5.07 × 10⁻⁵, 5.07 × 10⁻⁵ और 1.43 × 10⁻⁴। तो अब पूछा गया व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो अभी इसको सॉल्व करके हमको बोला गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो पहले तो आपको सॉल्व करना होगा। हमने अब तक क्या देखा है कि डायरेक्ट इक्वेशन रेट दे देते हैं, उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, पर इसमें पहले हमको रेट निकालना पड़ेगा और बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क में ही आएगा, 3 या 2 मार्क में चांस ज़्यादा नहीं है इसके, पर आप प्रिपेयर रहना उसके लिए भी। पहले तो पूछा है रेट इज इक्वल टू के ऑफ a रेस टू बी। ये हमने अस्यूम किया है क्योंकि हमको पता है ए और बी अननोन है। अभी हमको स्मॉल जो ऊपर पावर में ए और बी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वहाँ पे जो आएगा उसको उसको ए प्लस बी हम फाइनल आंसर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना तो आता ही है ना, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह 1 और वाई की जगह पे 2 है, तो टोटल 1 + 2 = 3। ये मैं खाली आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरा बेस्ट वे में समझने की कोशिश करता हूँ। तो चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। अब नंबर 1 देखो, अब इसकी एक ट्रिक है, हमको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के बेस पे ही पूरा वैल्यू लिखना है। नंबर 1 इसको, ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो रेट दिया गया है 5.07 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू के एस इट इज, ए की जगह पे 0.20, क्योंकि यहाँ पे 0.20 दिया गया है, तो 0.20 × a, और बी की जगह पे 0.30 दिया गया है, तो 0.30 × b। तो ये हमारा पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया है। कुछ नहीं है, हलवा है खाली, बहुत इजी है, खाली आपको इतना बड़ा बड़ा लगेगा कि क्या लिख रहा है, पर आप ये पहला इक्वेशन बन भी गया। अब नंबर 2 यहाँ पे 5.07 × 10⁻⁵, के इज इक्वल टू के, तो अपनी जगह पे 0.20 × a और यहाँ से 0.10 × b, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। बहुत इजी है, आपको खाली प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नंबर 3 1.47 × 10⁻⁴ is equal to k into 0.40 a और 0.05 b। देखिए, आपको खाली मेथड ही समझनी है, आपके एग्जाम में
एज इट इज सम पूछते हैं, पर सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी बार वैल्यू चेंज करते हैं, पर मेथड यही रहेगी। तो आपको अगर ये कौन सा ये मेथड आ गई, तो आपका कोई भी वैल्यू दे आपको आंसर आएगा, और वो भी करेक्ट आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हमको मैक्स की ट्रिक अपनानी है। अननोन वैल्यू है तो हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग 1/2, तो 1 और 2 इक्वेशन जो है उसको डिवाइड कर देंगे, तो 5.07 × 10^-5 अपॉन 5.07 × 10^-5 इज इक्वल टू के ऑफ 0.20^a 0 × 0^30^b डिवाइड बाई के ऑफ 0.20^a 0.10^b। तो अब आएगा 1 = 3^b। तो 3 हमको पता है कि 1 को हम लिखते, हम 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि anything^0। तो यहाँ पे 3^0 लिखेंगे क्योंकि RHS पे 3^b है। तो 3^0 इज इक्वल टू 3^b, 3 से 3 कट, तो b इज इक्वल टू 0। आपको ये आंसर b का मिल गया, हमने जो रेट फाइंड करना था ना a प्लस b, तो उसमें से आपको b मिल गया, तो b इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड 2/3, मतलब सेकंड बाय थर्ड को डिवाइड करेंगे, तो 5.07 × 10^-5 डिवाइड बाई 1.43 × 10^-4 इज इक्वल टू के ऑफ 0.20^a 0.10^b डिवाइड बाई के ऑफ 0.40^a डिवाइड बाई 0.05^b। तो इसका आंसर आएगा 0.3.3545 इज इक्वल टू 0.5a 5^2a 0.10^b। तो अब बी हमको पता है कि बी 0 है, तो बी की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो 0.3545 इज इक्वल टू 0.5^a 0.5 डिवाइड बाई 0.5 10/0.5^a। यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन में डिस्प्ले करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, पर इसकी PDF बिल्कुल क्लियरिटी अच्छी है, आप वैसे लिख सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अभी ऐसे खाली समझिए, इज इक्वल टू 0.3435 इज इक्वल टू 0.5^2a। तो अब टेकिंग लॉग, क्योंकि ये पावर में तो हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ऑफ 0.3545 इज इक्वल टू a इंटू लॉग ऑफ 0.5, तो a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.3545 × 10^-1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 5 × 10^-1। तो a माइनस वन से माइनस वन कट, a इज इक्वल टू −0.54503 अपॉन −0.301, तो a इज इक्वल टू 1.5। तो आपको a की वैल्यू 1.5 मिल गई और b की वैल्यू 0 मिल गई। तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 1.5 + 0 इज इक्वल टू 1.5। तो फाइनल आंसर लिख देना, फ्रॉम द अबो इक्वेशन वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 1.5 रिस्पेक्टिवली। ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा, वो मेरी गारंटी। अब नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने बोला था आज खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a + b गिव्स आउट c + d। ये एक इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है। एक्सपेरिमेंट a अपॉन मोल लीटर इनवर्स, b अपॉन मोल लीटर इनवर्स, इनिशियल रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोल। तो नंबर 1, 2, 3 पर 4 एक्सपेरिमेंट किए, तो 4 वैल्यू रिजल्ट मिले होंगे, तो 0.1, 0.3, 0.3 और 0.4। मैं खाली ऐसे ही रीड कर रहा हूँ, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। इनिशियल रेट पहले का दिया गया 6 × 10^-3, 7.2 × 10^-2, 2.88 × 10^-1, 2.40। ये खाली मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, आपको पूरा समझाऊंगा, पर क्वेश्चन रीड करना मेरा फ़र्ज़ है। तो डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट, ये इंपॉर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। ये पिछले वाले से काफ़ी सिमिलर है, तो पहले तो हम जो दिया गया उससे रेट का इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। तो रेट इज इक्वल टू के ऑफ a^2 b^2 इज इक्वल टू d(d)t। ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया क्योंकि ये दिया गया है, ये इक्वेशन से उससे रेट का बना दिया। अब 4 वैल्यू दिए हैं तो 4 इक्वेशन बनेगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब पिछले समय। तो रेट रेट की जगह पे पहला क्या लिखेगा एक्सपेरिमेंट 1 का, तो 6 × 10^-3,
तो यहाँ पे लिखेगा 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के ऑफ 0.1⁻A इंटू 0.1⁻B। ये यहाँ पर 0.1 है, 0.1 है। नंबर टू 7.2 × 10⁻², इज इक्वल टू के ऑफ 0.3⁻A इंटू 0.2⁻B। ये नंबर टू है। नंबर थ्री यहाँ पे 2.88 × 10⁻¹। मेथड एक ही है, खाली आपको सम लंबा लगेगा, मैंने खाली वैल्यू बदल रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में दी गई है। तो 2.88 × 10⁻¹ इज इक्वल टू के ऑफ 0.3⁻A और 0.4⁻B। और नंबर फोर 2.40 × 10⁻², इज इक्वल टू के ऑफ 0.4⁻A इंटू 0.1⁻B। ये इतना हमने बना दिया। अब हमको पता है पिछले वीडियो की मेथड से और मैं कि दो भी अननोन है तो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 1/4, आप कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, सब में आंसर एक ही आएगा। तो मैं डिवाइड 1/4 करूँगा, इक्वेशन 1/4। तो 6 × 10⁻³ अपॉन 2.40 × 10⁻², इज इक्वल टू के इंटू 0.1⁻A इंटू 0.1⁻B डिवाइड बाई के इंटू 0.4⁻A इंटू 0.1⁻B। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 इंटू इज इक्वल टू 0.25⁸A। तो 0.25 कट, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू 1। तो हमको ए तो मिल गया, अब खाली डिवाइड 2/3 करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3 रिस्पेक्टिवली, तो उसको देयर फोर 7.2 × 10⁻², अपॉन 2.88 × 10⁻¹ इज इक्वल टू के ऑफ 0.3⁻A इंटू 0.2⁻B अपॉन के इंटू 0.3⁻A इंटू 0.4⁻B। तो 0.25 इज इक्वल टू 0.5⁻B, तो 0.5 का स्क्वायर 2.5 है, 0.25, तो हम ये लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे आर एच एस पे 0.5 है। आपको वही लिखना है कि आर एच एस में जो भी है ना, आपको वही एल एच एस में वही वैल्यू रखनी है, उससे कट हो जाए। तो 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5⁻B, तो 0.5 से 0.5 कट और बी इज इक्वल टू 2। तो अब लिखेंगे देयर फॉर फाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए हमारा 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। आई होप आपको पूरी मेथड समझ में आ गई। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, अभी हमने आधा सम ही सॉल्व किया है, आधा बाकी है। फ्रॉम 1 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के ऑफ 0.1⁻A इंटू 0.1⁻B। तो के इज इक्वल टू 6.0, इसको डिवाइड कर देंगे 6 × 10⁻³ अपॉन 0.1⁻¹ इंटू 0.1⁻² होल स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू 6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 6 L² मोल इनवर्स होल स्क्वायर मिनट इनवर्स। ये रेट कॉन्स्टेंट की आपको यूनिट सही से लिखनी है, वरना आपको हाफ मार्क कट हो जाएगा। ऑल्सो रेट लॉ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू K⁻¹⁣², क्योंकि हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 मिला, तो उसमें ए 1 था और बी 2 था। तो बस ये फाइनल आंसर है, रेट लॉ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के ऑफ ए और बी स्क्वायर। तो ये आपका 4 मार्क का इंपॉर्टेंट सम हो गया। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे विजिट करो www.syseducationera.blogspot.com। तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, बुचकेट के पेपर, बोर्ड के पेपर और मेरे नोट्स की PDF मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप बस चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब नंबर 12, ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क का। देखो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे आपको लगेगा और मेथड भी सिमिलर है, तो आपको एक आ गया तो दूसरे दो तो अपने आप हो जाएंगे। तो द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ब्रेक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भी और वीडियो बनाना है। तो अगर आप चाहे तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं अपने आप से और बाद में वीडियो कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे टाइम पास करूँगा तो आपको लगेगा कि वीडियो खाली लंबा कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा। एक्सपेरिमेंट ए पिछले जैसा ही टेबल है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उसमें 0.1, बाद में ये जो DSTE है वहाँ पे आपको फाइंड करना है, और ये 0.4, ये 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, और रेट दिया 7 × 10⁻², 4 × 10⁻²,
टू इंटू टेन इज टू माइनस टू, तो रेट इज इक्वल टू के ऑफ ए रेस टू वन बी रेस टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू के ऑफ ए रेस टू वन बी रेस टू जीरो, तो के इज इक्वल टू आर अपॉन ए, तो आर है टू इंटू टेन एस टू माइनस टू अपॉन जीरो पॉइंट वन इज इक्वल टू नाइन पॉइंट टू जी सॉरी 0.2 मिनट इनवर्स। तो आपको रेट तो मिल गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो मतलब उसकी यूनिट टाइम में आएगी, तो यहाँ पे मिनट इनवर्स है, तो उससे आपका कन्फर्म हो गया कि आपका आंसर करेक्ट है। अब नंबर टू, ए इज इक्वल टू आर बाई के, ये कैसे आया, तो ए को एल ऊपर भेज दिया और के को नीचे ले लिया, तो ए इज इक्वल टू आर अपॉन के इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमको पता है कि 4 इंटू टेन एस टू माइनस टू ये दी गई है अपॉन 0.2, तो आंसर आएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखो आपको फिर भी डाउट है तो 0.2 का सा 4.2 टेन एस टू माइनस टू, तो ये रहा 4 इंटू टेन एस टू माइनस टू, ऐसे ली है। अब सॉरी यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है। अब आर इज इक्वल टू के के ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.8 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये आपका थर्ड आंसर। और फोर्थ आंसर, ए इज इक्वल टू आर बाई के, तो आर है टू इंटू टेन एस टू माइनस टू अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो आपको ए बी सी डी के फोर वैल्यू मिल गए, तो आपको पर क्वेश्चन वन मार्क है, तो टोटल फोर मार्क में है। अगर आप एन सी एट मतलब सी बी एस ई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको टू मार्क में भी पूछा जा सकता है और वी एस क्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आपको उस वे से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन, तो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। अब नंबर 13, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए आपके। आप ये स्पेसिफिकली गुजरात बोर्ड में एम सी क्यू में पूछे गए। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कॉन्स्टेंट गिवन बिलो, तो 1 200 सेकंड इनवर्स, 2 2 मिनट इनवर्स और 4 ईयर्स इनवर्स। तो हमको पता है कि हाफ लाइफ का वैल्यू है टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो हमको के तो पता है, नहीं सॉरी टी एफ फाइंड करने के दिया गया है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो फॉर रेट इज इक्वल टू 200 सेकंड इनवर्स, टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 200 इज इक्वल टू 3.46 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 सेकंड इनवर्स। तो ये 200 टाइम के लिए, टाइम 200 सेकंड के लिए आपका हाफ लाइफ का वैल्यू है। अब नंबर टू, टी इज इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स, तो फॉर 2 मिनट इनवर्स इज इक्वल टू टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.346 मिनट। तो ये इसका ही आंसर है, खाली फॉर्मूला ही है, आपको वैल्यू नीचे अलग रखनी है। अब 4 ईयर्स के लिए, तो टी एफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.173 ईयर। तो ये आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये 13 क्वेश्चन का इतना ही सॉल्यूशन है। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भूल ना जाए। अब नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये मेरी प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया था। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके इज 5730 ईयर्स एंड आर्कियोलॉजिकल एंटीफैक्ट कंटेनिंग वुड हेयर्स ओनली 80% ऑफ द 14C फाउंड इन लिविंग फ्री, एस्टिमेट द एज ऑफ द सेम ईयर ऑर्डर इज फर्स्ट। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ये मैंने ट्रिक है, आपको इसमें याद ही रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि टाइम है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। तो बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ डीके होता है 5730 ईयर्स में, तो उससे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड का 80% 14C में फाउंड होता है। हमको पता है कि C14 है, C12 है, ऐसा अलग अलग कार्बन के वो है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन का एक, ये कार्बन ही है पर C14 है। अभी हमको पूछा गया है कि एस्टिमेट द एज, हमको पता है कि अभी न्यूज़ में भी आता है कि आर्कियोलॉजिकल ने इतने ईयर पहले का फाउंड किया एंशिएंट टाइम से, तो वो लोग वो स्टडी करते रहते हैं और उससे पता चलता है कि ये कौन से टाइम पीरियड में बिलोंग करता है। तो अभी हम चालू करते हैं। टी एफ इज इक्वल टू 5730 ईयर्स हमको पता है। अब आर टोटल इज इक्वल टू 80% ऑफ आर जीरो, तो 80% को हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 0.80 ऑफ आर जीरो, तो आर टी इज इक्वल टू 0.80 आर
आर जीरो, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी एफ, ये तो हमको पता है टी एफ का वैल्यू है, मतलब फॉर्मूला है, तो 0.693 अपॉन 5730 तो इज इक्वल टू 1.21 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स। तो के की वैल्यू मिल गई 1.21 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर जीरो अपॉन आर टी। ये हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर जीरो अपॉन आर टी। ऑफ टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, वो भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने के को नीचे ला दिया और टी को ऊपर भेज दिया। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर जीरो अपॉन आर टी। तो 2.303, के की वैल्यू हमको पता है कि 1.21 इंटू 10⁻⁴ लॉग ऑफ आर जीरो एज इट इज़। आर टी की वैल्यू हम लोग को पता है कि 0.80 इंटू आर जीरो, वो क्वेश्चन में दी गई है। तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10⁻⁴ लॉग ऑफ 1.25। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.21 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.09 69, तो आंसर होगा 18 1844.3 ईयर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि वो 1844 ईयर्स पहले का फाउंड किया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक दूसरा चैनल है जो मेरे नाम से ही है, शुभम सा, तो वहाँ पर आपको यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे, मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वो चाहे तो वो भी देख सकते हैं। उसकी वो चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी नोट्स चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसकी लिंक भी नीचे है। तो बस आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए, मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, तो उन्हें भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो उनको भी मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।